हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज हम जिस भर्ती के बारे में बात करेंगे वो इंडियन आर्मी की ओर से ओपन रैली भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो, यानी कि भारतीय सेना की ओर से ओपन रैली भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस भर्ती में अगर आप कम से कम 10वीं पास है तो आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने 10वीं पास किया है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने 12वीं पास किया हुआ है तो भी आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती में जो आपको वैकेंसी दी गई है, कॉन्स्टेबल, क्लर्क और ट्रेडमैन की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, और आप यहाँ पर तीनों पोस्टों के लिए अलग अलग योग्यता आपके लिए रखी गई है। इस भर्ती की जो आपको रनिंग करनी है वो 21 फरवरी से यहाँ पर आपकी इसकी रनिंग रहेगी, यानी कि 21 फरवरी को यहाँ पर ओपन रैली भर्ती का कौन सा स्टेट जाएगा वो भी आपको यहाँ पर इस भर्ती में आपको जानकारी दूंगा, यानी कि जो आपकी रनिंग होगी वो 21 फरवरी से यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और फ्रेंड्स, इस भर्ती का आपके ऑनलाइन मोड से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा, और इस भर्ती में अगर आपकी हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अब देखें फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सबसे पहले इस भर्ती के यहाँ पर फिजिकल डिटेल के बारे में बताऊंगा, जो आपकी इसमें हाइट होना अनिवार्य है। अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, और अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, जो इसमें आपकी हाइट होना अनिवार्य है, 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना अनिवार्य है। अगर आपको ये मालूम नहीं है कि नॉर्थ इंडिया जो जोन है इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट आती है या नहीं आती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर बताकर जाना, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है इस जोन के अंतर्गत आती है या नहीं आती है। तो जरूर यार अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम बता के जाना, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। इस भर्ती में जो आपकी चेस्ट रहेगी 78+5 सेंटीमीटर का आपका फुला होना अनिवार्य मेल कैंडिडेट के लिए। इस भर्ती में जो आपकी रनिंग रहेगी 1600 मीटर की यहाँ पर आपको रनिंग करनी होगी, यानी कि 1.6 किलोमीटर की यहाँ पर आपको दौड़ होगी। अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड से कम में लगाते हैं तो आपको फर्स्ट ग्रुप में रखा जाएगा। अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में लगाते हो सेकंड ग्रुप में रखा जाएगा। 10 आपको यहाँ पर सेटअप से लगाने होंगे और पुशअप भी आपको यहाँ पर 10 लगाने होंगे। अब देखो फ्रेंड्स, बात करते हैं जिसमें कौन कौन सी वैकेंसी आई होगी। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ यार एक लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, जो उसका रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो इंडियन आर्मी की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ, यानी कि इसकी ओर से भर्ती चलेगी। अगर आप इस वेबसाइट पर आना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक दिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर टोटल पोस्ट है, तो यहाँ पर कभी भी जो इंडियन आर्मी है अपनी वैकेंसी ओपन नहीं करती। आप एक बात आपने ध्यान देखी होगी कि जितनी भी यहाँ पर ओपन रैली होती है इंडियन आर्मी, वो कभी भी अपनी वैकेंसी ओपन नहीं करती है, यानी कि नहीं बताते। नोटिफिकेशन में यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपको टोटल पोस्ट मिलेगी तो नोट मेंशन रहेगा, जो आपको पोस्ट नेम दिए गए हैं, टोटल आपको यहाँ पर 3 प्रकार की वैकेंसी दी गई है, सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर क्लर्क और सोल्जर ट्रेडमैन। यहाँ पर आपको क्लर्क, ट्रेडमैन और जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी के लिए आपको वैकेंसी दी गई है। अप्लाई मोड जो होगा, ऑनलाइन मोड से आपको इस भर्ती में आवेदन करना होगा, यानी केवल और केवल आपको ऑनलाइन मोड से आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा। इस भर्ती में जो आपका पे स्केल रहेगा, यानी कि जो इस भर्ती में आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 21,700 से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ तक का आपका पे स्केल रहेगा, यानी कि इस भर्ती में आपको इतनी सैलरी भी दी जाएगी। अगर फ्रेंड्स इस भर्ती में एप्लीकेशन फीस की बात करें, यहाँ पर सभी पोस्टों के लिए एक ही फीस रहेगी, यानी कि बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। यानी कि आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस भर्ती में फ्री में आवेदन कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर मैंने फिजिकल डिटेल के बारे में आपको पहले ही बता दिया है। अब जो इसमें भर्ती में एज लिमिट रहेगी, अगर आपके 17.5 ईयर से लेकर 21 ईयर के बीच में है तो आप इस भर्ती में जा सकते हैं, और इस भर्ती में यहाँ पर कोई एज में छूट भी नहीं दी जाएगी, यानी कि जो आपको 5 ईयर की और 3 ईयर की छूट मिलती है इस भर्ती में वो लागू नहीं होगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो यार प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, यानी कि अगर हम इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपको यहाँ पर रिटन एग्जाम रहेगा। टोटल आपके यहाँ पर 3 स्टेज रहेगी, यानी कि सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, यानी कि रनिंग होगी, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आपको यहाँ पर रिटन एग्जाम रहेगा। अगर आप रिटन एग्जाम तक चले जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पर फाइनल मेरिट में आपका नाम आएगा। अगर आपका फिर भी फाइनल मेरिट में नाम नहीं आता है तो आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर फ्रेंड्स इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पर तीनों पोस्टों के लिए यहाँ पर अलग अलग क्वालिफिकेशन रहेगी, यानी कि जीडी, ट्रेडमैन और क्लर्क के जो पद है, यहाँ पर आपको सभी पोस्टों के लिए अलग अलग योग्यता देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 10वीं पास होना अनिवार्य है 45% अंकों के साथ, और हर सब्जेक्ट में यहाँ पर 33 नंबर होना अनिवार्य है। जहाँ पर ट्रेडमैन की वैकेंसी है, इसमें केवल और केवल आप 10वीं पास से आवेदन कर पाएंगे। जो क्लर्क की वैकेंसी है, यहाँ पर आप वो भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 10+2 यानी कि 12वीं पास होना अनिवार्य है। आर्ट, कॉमर्स, साइंस सभी चल जाएंगे, लेकिन 60% इसमें भी अंक होना अनिवार्य है। अगर फ्रेंड्स इस भर्ती की इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, तो यहाँ पर जो इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं 20 जनवरी 2020 से, यहाँ पर इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 15 फरवरी 2020 से, पहले आपको अपना आवेदन फिल कर लेना है।
जो आपके यहाँ पर ओपन रेली भर्ती की डेट दी गई है 21 फरवरी 2020 से लेकर 23 फरवरी 2020 के बीच में आपको यहाँ पर ओपन रेली में जाना होगा। अब देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर जाना होगा लेकर के, वो भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट, यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपको यहाँ पर स्कूल से एक आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा वो लेके जाना है, अनमेरिड आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना है, यानी कि आपको ये भी दर्शाना होगा कि आप की शादी अभी तक नहीं हुई है वो लेके जाना होगा। फिर आपको यहाँ पर एक एफिडेविट भी लेकर जाना होगा, पैन कार्ड या फिर आपको आधार कार्ड भी यहाँ पर आपको लेकर जाना होगा। इस भर्ती का जो ओपन रैली का एड्रेस है वो यहाँ पर मैंने मेंशन किया गया, आप यहाँ पर भी आकर चेक कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप आवेदन करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आपको यहाँ पर आना होगा, सब इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको। अगर आप यहाँ से इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा पहले लिंक पर। अगर आप इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स आपके सामने जो मैंने आपको डिटेल पहले से बताई हुई थी वो आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर भी जो मैंने आपको डिटेल बताई है वही मिलेगी। यहाँ पर आपको जनरल ड्यूटी के लिए वैकेंसी मिलेगी, क्लर्क के लिए मिलेगी, और यहाँ पर आपको ट्रेडमैन के लिए भी वैकेंसी दी गई है। और इस भर्ती में आप 8वीं पास से भी आवेदन कर सकते हैं, आपको यहाँ पर वो मेंशन की गई है। जो मेल कैंडिडेट है वो 76+5 सेंटीमीटर का आपका फुला होना अनिवार्य है चेस्ट में। इसी प्रकार से यहाँ पर जो आपकी योग्यता रहेगी वो जनरल ड्यूटी के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है 45% अंकों के साथ, और 33% आपके हर सब्जेक्ट में होना अनिवार्य है, वो आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्लर्क के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है, यानी कि 10+2 होना अनिवार्य है 60% अंकों के साथ। जो आपकी 12वीं होनी चाहिए वो आर्ट कॉमर्स साइंस के साथ है तो आप इस भर्ती में जा सकते हैं। और यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर ट्रेडमैन के लिए जो वैकेंसी है वो 10वीं पास से केवल और केवल आप यहाँ पर 10वीं पास से इस भर्ती में जा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर ट्रेडमैन की जो वैकेंसी हाउसकीपिंग वाली है उसमें आप 10वीं पास से भी यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर हाइट के बारे में बताया हुआ है, अगर आपको भी नहीं अभी तक नहीं पता हुआ है, क्योंकि जो मैंने यहाँ पर इसमें हाइट दर्शाई गई है वो जोन वाइज यहाँ पर आपकी हाइट दर्शाई गई है, आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था कि नॉर्थ इंडिया जो जोन कैंडिडेट है उनकी जो इसमें हाइट होना अनिवार्य है 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना अनिवार्य है। अगर आपको अभी भी नहीं पता लगा है कि आप कौन से जोन में आते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपके डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर कौन से जोन में आती है, और आपको इस रैली में जाना होगा या नहीं जाना होगा वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करा दूंगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर इस भर्ती में जो इसकी रनिंग रहेगी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। इस भर्ती में जो आपकी 5 मिनट जो मैंने आपको पहले बताया फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप के अनुसार यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि 5 मिनट 30 सेकंड से लेकर 5 मिनट 31 सेकंड के बीच में अगर आप रनिंग करते हैं तो आपको सेकंड ग्रुप में रखा जाएगा, और अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड से कम का समय लेते हैं तो आपको फर्स्ट ग्रुप में यहाँ पर काउंट किया जाएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर 60 मार्क और 48 मार्क दिए जाएंगे, वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया। अगर आप फर्स्ट ग्रुप की रनिंग करते हैं तो आपको 60 मार्क दिए जाएंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर 48 मार्क दिए जाएंगे। जो आपके यहाँ पर मेडिकल टेस्ट होगा उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, आपको यहाँ पर भी चेक कर लेना है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर चेक करना होगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो वीडियो कमेंट बॉक्स से पूछे, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।